आज की टॉपिक शुरू करने से पहले आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो होमवर्क के रूप में है, आपको उसको सॉल्व कर लेना है। आप सर्च करेंगे बुक में मिल जाएगा या तो नेट पे भी सर्च करेंगे मिल जाएगा। उस क्वेश्चन का नाम है अम्लों तथा क्षारकों में क्या समानताएं हैं। इसको आसानी से आप लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हो सकता है कि ये दोनों जो है विद्युत के चालक होते हैं, इसमें यह चायन देते हैं जल में। तो ये सब चीज़ें आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। अपने से लिखेंगे तो सर्च करके तो थोड़ा आपको नॉलेज होगा, दूसरे की कॉपी मत किया करिए आप लोग। देखिए तो अगला जो टॉपिक है आपका वो है जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। तो जलीय विलयन में अम्ल क्षारक का क्या होता है, तो सबसे पहला ये होता है कि जब अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में जो जाते हैं उनको जो जल में उनको डाला जाता है अम्ल को, तो अम्ल जो होते हैं वो आयन में बदल जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वह एच आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं और जिससे कि अम्लीयता का पहचान होती है। तो अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में क्या करते हैं, आयन उत्पन्न करते हैं। तो मान लीजिए HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह H2O में जोड़ दिया गया, मतलब H2O में मिला दिया गया। तो जब अम्ल को हम जल में मिलाएंगे तो वह क्या करेगा, यह आयन देगा और Cl- देगा। तो H2O से क्या होगा, एक H+ जो है वह जुड़ जाएगा और एक आयन बन जाएगा H3O+, और इसी का नाम है हाइड्रोनियम आयन। तो जो ये हाइड्रोनियम आयन है, तो जल में जो अम्ल होते हैं वह हाइड्रोनियम आयन लेते हैं। तो आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो HCl क्या है, H+ Cl- में टूट रहा है, और इसकी खासियत यह है कि जो H+ आयन है वह अकेले नहीं रह सकता है, और अकेले जब नहीं रहेगा वह, तो वह जल के साथ मिल जाएगा, और जब जल के साथ वह मिल जाएगा तो अगर H2 है और एक H और मिल जाएगा तो वह H3 हो जाएगा। तो H3 हो जाएगा और O+ हो जाएगा, तो H3O+, और इसी का नाम है हाइड्रोनियम आयन, और Cl- जो है अलग रहेगा। तो हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन को आपको याद रखना है कि जो अम्ल होते हैं उनको हम अगर जल में मिलाते हैं, आपको अभी आगे पढ़ाएंगे कि तनुकरण क्या है। तो जब जल में मिलाते हैं तो उसी को ही तनुकरण बोलते हैं। तो जल में जब मिलाते हैं तो वह H+ जब देता है तो वह अकेले रहना पसंद नहीं करता है, उसको किसी के साथ चाहिए होता है, तो वह H2O के साथ मिल जाता है। नीचे देख सकते हैं रिएक्शन में H+ H2O H3O+। तो हाइड्रोजन जो है या आयन जो है हाइड्रोजन आयन जो है वह जल के साथ मिल करके वह क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अब देखिए, अब तो अम्ल की बात तो हो गई, अब क्षारक की बात कर लिया जाए। तो जब किसी क्षारक को जल में घोला जाता है तो क्या होता है, सबसे पहले वो देख लीजिए। जैसे देख लीजिए NaOH, जब OH लगा रहे तो इसका मतलब वह क्या है, क्षारक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है। इसको जब जल में मिलाया जाता है तो यह क्या करता है, Na+ में टूट जाएगा और OH- में टूट जाएगा। अब यह जलीय विलयन है तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, AQ लिख देंगे, एक्वस सॉल्यूशन। तो Na+ प्लस OH- में टूट गया। अब देखिए KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको भी जल में घोला गया, ये भी K+ OH- में टूट गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको आपको हम पढ़ा दिए हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है जल में जाने के बाद Mg2+ 2OH- में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब यह कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब कहने का है कि जो क्षारक जल में घुल जाएंगे उनको तो हम क्षार बोलेंगे, आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। तो क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तो जल में घुलनशील क्षारक को हम क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपको होमवर्क में देना चाह
लेकिन होमवर्क में मैंने नहीं दिया। क्वेश्चन है कि क्षारक को कभी छूना या चखना क्यों नहीं चाहिए। तो आप लोग कभी साबुन को या डिटर्जेंट को आप मुंह में डालेंगे तो आपको बहुत बेकार लगेगा और आपको नुकसानदेह भी करता है। आप कपड़े धुलते रहेंगे तो आपका हाथ भी कट जाता है धीरे धीरे। तो देखिए, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, ये तो आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह होता है लेकिन स्वाद कड़वा होता है। लेकिन इनकी प्रकृति जो होती है वह संक्षारक होती है, कोरोजी होती है। कोरोसी होती है, इसका मतलब है कि वह काटने की क्षमता रखते हैं। तो इनको इसलिए हम कभी छूना या चखना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप इसको चख रहे हैं या छू रहे हैं तो समझिए आपको इससे खतरा हो सकता है, यह आपके लिए हानिकारक है। इसलिए क्षारक को कभी छूना या चखना नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी जो प्रकृति होती है वह संक्षारक होती है, कोरोजी होती है। अगला है आपको पढ़ना है, जो आपको हम बताए हैं कि अम्ल व क्षार का तनुकरण क्या है। देखिए, कभी भी अम्ल को जल में मिलाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जो परख नली है उससे सटते हुए हल्के हल्के से जाए। और सबसे पहली बात, और किसी जल को कभी अम्ल में नहीं डालना चाहिए। जल को कभी अम्ल में नहीं डालना चाहिए, बल्कि अम्ल को जल में डालना चाहिए। तो जल में जब अम्ल हम मिलाते हैं या क्षारक मिलाते हैं तो आयन की सांद्रता, अब कौन सा आयन की सांद्रता, H3O+, मतलब उसमें हाइड्रोजन प्लस की जो हाइड्रोजन आयन है उसकी सांद्रता, जिसे हम बोलते हैं H3O+ जो हाइड्रोनियम आयन है, क्योंकि जब H+ आयन जो है वह H2O से जुड़ कर के हाइड्रोनियम आयन बना दिया है, तो उसी को हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O+ या OH- में जो प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब मान लीजिए खूब गाढ़ा से आपके पास शरबत है, उसमें जब आप पानी में शरबत मिलाते जाएंगे तो शरबत क्या होता जाएगा, हल्का मीठा होता जाएगा। उसी तरह अगर अम्ल या क्षारक को जो आयन की सांद्रता बहुत ज़्यादा है उसको हम जल में मिलाते जाएंगे तो उसकी जो प्रति इकाई आयतन में उसकी मौजूदगी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब कम होती जाएगी तो इसका मतलब है कि उसकी जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तनुकरण बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया द्वारा हम अम्ल या क्षारक को क्या करते हैं, तनुकृत करते हैं, मतलब उसका तनुकरण करते हैं, मतलब उसका डाइल्यूशन करते हैं। क्योंकि जो सांद्र अम्ल होते हैं बहुत हानिकारक होते हैं, अगर आप प्रैक्टिकल करने के दौरान उसको अपने शरीर पर गिरा देते हैं या किसी के शरीर पर वह गिर जाता है तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुँचाता है। इसलिए हम अम्लों का क्या करते हैं, तनुकरण करते हैं, मतलब उसको जल में मिलाकर हम तनुकृत विलयन बना लेते हैं, जिससे कि किसी को यूज करने में दिक्कत न हो। तो ये हो गया अम्ल तथा क्षारक का तनुकरण, या एक क्वेश्चन आता है तनुकरण क्या है। तो ये आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आपको ये क्वेश्चन लिख लेना है, अम्लों तथा क्षारकों में क्या समानताएँ हैं। बाकी आपको अगर कोई चीज़ समझ में आई हो तो कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कर लेना चाहिए कम से कम। आपको कभी भी हम कोई चीज़ अपलोड करते हैं और आपको कहीं पढ़ना रहता है तो आप इसको देखकर बाद में भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू।